हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को बताया, आप देख सकते हैं कुछ अमेजोन से हमें मिला है एक रिव्यू यूनिट है, और आप सभी के लिए बहुत ख़ास है ये रिव्यू यूनिट, और आप सभी को ये परचेज करना चाहिए अगर आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स, और आपको बताते हैं इसमें ऐसा क्या है जो आप सभी को परचेज करना चाहिए। और वैसे ही हमारे जो चैनल है अल्टीमेट मोटो राइडिंग, उसी चैनल के लिए हमें रिव्यू यूनिट मिला है, और मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर दें। जैसे मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स करके रखा हुआ है तो आप सभी को भी बता दूं, ये आप मंगवा सकते हैं अमेजोन से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और ये है स्टील बर्ड का एयर, जो कि है SBA-1। इसका मॉडल है, ये एक हेलमेट है जो आपकी सुरक्षा रक्षा जो भी आप समझ दें वो आपकी करता है। और इसकी अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो आपको बता देते हैं इसमें कैसी क्वालिटी है। यह है स्टील बर्ड का एयर हेलमेट है, कोई हवा नहीं है। स्टील बर्ड एयर, ये एक हेलमेट है। एयर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एयर मिलने वाली है, फ्री में आपको, फोकट में इसमें आपको हवा मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये एक स्पोर्टी लुक वाला हेलमेट है, मैट फिनिशिंग और बिल्कुल ही शानदार हेलमेट है, फुल्ली प्रिंटेड। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट बाइक है तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आपके हैं, कौन सा मुझे पैसे आपको देने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट इसका जो सबसे मेन फीचर्स है, इसको फीचर्स ही बोल सकते हैं, ये फ्रंट में वेंटिलेशन, यानी कि आपको हेलमेट अगर आप पहनते हैं, बहुत से लोगों को हेलमेट पहनने के बाद सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो आप इसमें आप इजी सही तरीके से आराम से सांस ले सकते हैं क्योंकि ये वेंटिलेशन है। और जो सेकंड वन आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक और वेंटिलेशन दिया है, और थर्ड वन इसके ऊपर एक और वेंटिलेशन दिया है जो आपकी खोपड़ी को ठंडा रखेगा। और पीछे की तरफ आगे वाले जितने जो एयर फ्लो वाले जितने भी है वेंटिलेशन, पीछे सारी हवा निकालने के लिए, आगे वाले सब हवा खींचने के लिए। वैसे इसीलिए इसका मॉडल एयर है, स्टील बर्ड एयर इसीलिए इसका मॉडल रखा गया है क्योंकि अगर आप इस हेलमेट को पहनते हैं तो आपके दिमाग पर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, यानी कि खोपड़ा आपका पूरा ठंडा रहेगा। देख सकते हैं शानदार प्रिंटेड है, मैट फिनिशिंग वाला कलर है, ग्लोसी होता तो कुछ अच्छा नहीं लगता, पर ये मैट फिनिशिंग है। और रिमूवेबल आपको यहाँ पर वाइजर मिलता है, आप इजी तरीके से इस पूरे क्लिप को निकाल सकते हैं, पूरा क्लिप भी नया डाल सकते हैं। इसकी एसेसरीज ऑनलाइन मिलती है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर चेकआउट कीजिए। अगर आपको परचेज करना है तो आप वाइजर या फिर कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ब्रांडिंग वाला आप देख सकते हैं, इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है स्टील बर्ड की, 2019 लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ वाइजर पर लगाया हुआ है ये स्टिकर, यानी कि स्क्रैच नहीं आएंगे, पर कंपनी बोलती है ये है एक स्क्रैच प्रूफ वाइज़र, यानी कि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैंने स्मोक वाइज़र नहीं मंगवाया, क्योंकि इसमें क्या है रात को थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है देखने में, और कुछ दिखा नहीं तो फिर हेलमेट पहनने से मतलब क्या कहीं ठुक जाएगी बाइक वगैरह भी। और अंदर से आपको बता देता हूँ, ये इसकी क्लिप्स है, दोनों अच्छी क्वालिटी की है और इसी ब्रांडिंग की है स्टील बर्ड की। और अंदर की तरफ आपको मिलता है एक पैड जिसको आप वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं और सुखाने के बाद वापस लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर आपको पैड मिलता है, यानी कि अगर आप राइडिंग करते हैं, ज़्यादा पसीना होता है, बदबू मारता है ये अंदर वाला पैड, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं और वॉश करने के बाद वापस इसे लगा सकते हैं एकदम आसान तरीके से। पीछे की तरफ ISI मार्क है, यानी कि ओरिजिनल हेलमेट है, ISI अप्रूवर्ड माइक है, यानी कि सॉरी माइक नहीं हेलमेट है, और आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं ठोक देते हैं बाइक वगैरह तो आपकी जो ऊपर वाला पार्ट है, आपका सिर, आपका भेजा, आपकी खोपड़ी, वो एकदम सही सलामत रहेगी। ऊपर से कुछ इस टाइप का दिखता है, साइड से कुछ इस टाइप का दिखता है, और फ्रंट से कुछ इस टाइप का दिखता है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये स्टिकर, इसको हम निकाल देते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट हेलमेट सॉरी वाइज़र है। इसको पहन के बता देता हूँ आपको कि पहनने के बाद कैसा लुक आता है। ड्रिन ड्रिन
तो फिर आप इस टाइप से इस हेलमेट को पहनकर बाइक चला सकते हैं, फिर आराम से जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये एम साइज़ है, यानी कि मेरे सिर में पूरा एकदम फिट है। अगर आपका सिर बड़ा है छोटा है तो उसके हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। एस साइज़ भी आती है, एल भी आती है, एक्सल भी आती है इसमें, तो आपको जो अच्छा लगे आप मंगवा सकते हैं। वैसे मुझे तो ये साइज़ ओके लगी है तो मैंने ये साइज़ मंगवाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए और फ्यूचर के लिए आप इस हेलमेट को या फिर किसी भी हेलमेट को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सलामत हैं तो फिर आपका परिवार भी सलामत रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि आप सभी भी सलामत रहें, तभी तो आप हमारा वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और सभी को हैप्पी दीपावली, और भाई दूज भी हैप्पी, सब हैप्पी, और बाय बाय।